y1 को उधर डिवाइड किया क्यों क्या क्योंकि y equal to MX plus C तो y फॉर्म तो। में कन्वर्ट करना इसको तो वहां से हमें नॉर्मल की स्लोप भी पता लग जाएगी माइनस वन बाई एम हो जाएगी टी वन के बराबर है क्या कह रहा हूँ टू बाई टी टू इसकी क्या हो जाएगी बताओ इसमें y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यू सवाल मेरा ये है है ना बहुत ही ध्यान से सुनना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स फोर पैराबोला क्वल टू फोर ए एक्स फोर एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के लिए इक्वेशन ऑफ हमें नॉर्मल निकालनी है तो नॉर्मल क्या होता है किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें हम ये पॉइंट पी ले लिया इस पे टेंजेंट तो ये होगी टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है नॉर्मल होती है टेंजेंट उस पॉइंट पे टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है वो होती है नॉर्मल ठीक है हमें इसकी इक्वेशन चाहिए होगी तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है सबसे पहले तो कौन सी फॉर्म होती है पॉइंट फॉर्म सबसे पहली फॉर्म क्या हो जाएगी पॉइंट फॉर्म तो पॉइंट फॉर्म में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए हों एक्स वन कोमा वाई वन तो यहां पे स्लोप क्या होती है यहाँ पे स्लोप पता है क्या क्या होगी नहीं टेंजेंट की स्लोप पता हो तो क्या नॉर्मल की स्लोप लिख सकते हैं क्या यस लिखी जा सकती है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी पड़ेगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है टी इक्वल टू जीरो मतलब वाई वाई वन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस एक्स वन तो यहां से स्लोप कितनी हो जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू ए बाई वाई वन होगी कि नहीं होगी वाई वन को उधर डिवाइड किया क्यों क्या क्योंकि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको तो वाई इक्वल टू टू एक्स अपॉन वाई वन प्लस एक्स वन टू एक्स वन अपॉन वाई वन हो जाएगा तो ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट की स्लोप एम हो तो नॉर्मल की स्लोप क्या होती है नेगेटिव का रेसिप्रोकल तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी माइनस का वाई वन अपॉन टू ए ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी तो अब हमारे पास पॉइंट पता है इस लाइन की स्लोप पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी जा सकती है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो हो जाएगी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम मतलब माइनस वाई वन अपॉन टू ए एक्स माइनस एक्स वन इसको इसी तरह से लिख लेंगे बस स्लोप कहां से मिलेगी अपने को टेंजेंट से मिलेगी अपने को उसकी स्लोप टेंजेंट की स्लोप टू ए बाई वाई वन है तो नॉर्मल की स्लोप कितनी हो जाएगी माइनस वाई वन अपॉन टू ए पॉइंट एक्स वन वाई वन लिया ये क्योंकि हम पॉइंट फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं इक्वेशन तो यहां पे इस तरह से लिखेंगे T इक्वल टू जीरो नॉर्मल की इक्वेशन तो होती नहीं है टेंजेंट की इक्वेशन होती है क्लियर सेकेंड सेकेंड फॉर्म कौन सी होती है स्लो फॉर्म के अंदर अब स्लो फॉर्म के अंदर कैसे लिखें इसको हमारे पास पैराबोला क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स यही है इस पॉइंट पे टेंजेंट होगी ये और ये होगी नॉर्मल पॉइंट पी ले लिया ठीक है अब देखो यहाँ पे जैसे कि हमें टेंजेंट के लिए यदि लिखनी होती स्लो फॉर्म में इक्वेशन तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को यूज कर सकते थे हम तो। यहां पे तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे सब मतलब आपने को चाहिए कि स्लो फॉर्म में डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी हो नॉर्मल की तो टेंजेंट की तो भाई इक्वल टू mx a m लिख सकते हैं हमें यहां पे चाहिए कि स्लो फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी है तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं पहले कि लाइन है जो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ये मान सकते हैं पेरा बोला हमारे पास है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स अब देखो एम यदि मैं टेंजेंट की स्लोप मान लूं तो वहां से हमें नॉर्मल की स्लोप भी पता लग जाएगी माइनस वन बाई एम हो जाएगी हो जाएगी ना ठीक है और क्या कर सकते हैं हम यहां पे बताओ अच्छा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं ना तब तो काम डायरेक्ट जल्दी हो जाएगा हमारा क्या करें अपन जैसे कि ये इक्वेशन आई इसमें यदि मैं स्लो फॉर्म में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं तो हमारा काम इजीली बन जाएगा बन जाएगा ना तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हो। पॉइंट ऑफ क्या है पॉइंट 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 कांटेक्ट कांटेक्ट है। है ये पी, ना तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ए बाई बाई अब जब ये लिखते हैं तब तो स्लोप किसकी लेते हैं टेंजेंट की स्लोप किसकी लेते हैं टेंजेंट की हम टेंजेंट की स्लोप एम ना लेके नॉर्मल की स्लोप एम ले, ले. लिए ले ले नॉर्मल की स्लोप लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल यदि मैं नॉर्मल की स्लोप को एम मान लू तो इस पॉइंट पॉइंट ये जो ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट है कि नहीं बदल जाएंगे और कैसे बदलेंगे एम की जगह क्या रखूंगा माइनस वन बाई एम रखूंगा एम की जगह रिप्लेस कर दूंगा माइनस वन बाई एम तो ये हटा के हम क्या लिख ले एम ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट है कब जब एम क्या हो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो अच्छा नॉर्मल की स्लोप क्या हो एम हो. ना ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये भी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे कब होंगे जब एम क्या हो नॉर्मल की स्लोप हो टेंजेंट की स्लोप होगी तब ये होंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोऑर्डिनेट नॉर्मल की स्लोप एम हो तो ये हो जाएंगे ठीक है तो स्लोप तो हमें नॉर्मल की दी होगी उसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो अब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोर्डिनेट निकल गए स्लोप भी पता है तो इक्वेशन लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई वन वाई वन कितना है तो प्लस का टू ए एम आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आएगा एम एक्स माइनस एक्स वन समझ में आया क्या क्या किया मैंने ये जो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट लिखे गए थे ये लिखे गए थे जब टेंजेंट की स्लोप एम ना बट हमें तो स्लोप नॉर्मल की दी होगी तभी तो टेंजेंट उसकी इक्वेशन लिखे नॉर्मल की तो मैंने क्या किया एम को माइनस वन बाई एम से रिप्लेस कर दिया इसमें यदि एम की जगह वापस वन बाई एम से माइनस वन बाई एम से रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा इसमें एम की जगह माइनस वन बाई एम करो तो ये आ जाएगा तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के जो कॉर्डिनेट होते हैं वो दो तरह के होते हैं जब स्लोप हमें टेंजेंट की दे रखी हो तब ये होंगे नॉर्मल की दे रखी हो तो ये हो जाएंगे ठीक है और इसके बाद तो मैंने क्या किया कि लाइन की इक्वेशन लिखी है ना वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन यहां से वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा एम एक्स ये उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का टू ए एम और वो कितना हो जाएगा ए एम क्यू दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म और इसकी स्लोप कितनी है एम स्मॉल एम जब स्लोप हो नॉर्मल की तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगी है ना इंपॉर्टेंट है इसको भी अपने को याद रखना है एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब ठीक है हमने टेंजेंट की जब इक्वेशन निकाली थी तो जो टेंजेंट की इक्वेशन बन रही थी वो क्या बन रही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम को सोल्व करें तो एम के अंदर क्वाड्रेटिक बन रही है एम में क्वाड्रेटिक बनने का मतलब क्या है एम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल हो सकती है दो तो इसका मतलब मैक्सिमम कितनी टेंजेंट हो सकती है किसी पैराबोला के लिए दो है ना यहाँ पे इक्वेशन किस में बन रही है क्यूबिक इक्वेशन बन रही है इसका मतलब किसी भी पैराबोला के लिए मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं एक पॉइंट से बताएंगे आगे कैसे कर सकते हैं इक्वेशन आगे देख ले मान ले कि तुझे एक बोल दिया जाए कि एक नॉर्मल है जो किसी पॉइंट वन कोमा टू से पास कर रहा है तो एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू टू पुट करो तो एम ए क्या बनेगी क्यूबिक इक्वेशन तो मैक्सिमम एक्सटर्नल पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं तो उसके ऊपर नहीं होना चाहिए एक्सटर्नल और इंटरनल कहीं पे भी हो पैराबोला के ऊपर पॉइंट नहीं होना चाहिए पैराबोला के ऊपर होगा तब तो एक ही नॉर्मल होगा ना पैराबोला के अलावा किसी एक पॉइंट से मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं थ्री। इसको पूरा टॉपिक पढ़ते हैं ये आगे जाके पढ़ेंगे अभी बस थोड़ा सा आपको हो जाए कि जो इक्वेशन आई है किसमें एम ए क्यूबिक इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन के रियल रूट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं थ्री हो सकते हैं मिनिमम एक रियल रूट तो होता ही होता है तो तीन मैक्सिमम नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं समझ आ गई बात यहां तक कोई दिक्कत इसके बाद थर्ड फॉर्म कौन सी होती है पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे टू एटी तो पॉइंट फॉर्म यूज कर ले तो डायरेक्ट है ना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो इसका तो यूज वैसे आएगा नहीं वाई माइनस वाई वन लिखा था तो टू एटी इज इक्वल टू यहां पे क्या है माइनस वाई वन अपॉन टू ए माइनस वाई वन कितना है माइनस वाई वन टू एटी अपॉन टू ए एक्स माइनस एटी स्क्वायर वाई माइनस टू एटी इज इक्वल टू इससे ये कट गया अंदर मल्टीप्लाई करू तो क्या जाएगा माइनस का टीएक्स हाँ और ये प्लस में क्या जाएगा ए टी क्यूब वाई क्या हो जाएगा माइनस टीएक्स प्लस टू ए टी प्लस एटी क्यूब दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म स्लो फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म को यदि आप कंपेयर करो तो क्या डिफरेंस दिखा आपको एम को माइनस टी ध्यान से देखो यहां पे एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब यहां पर क्या लिखा हुआ है माइनस टी एक्स जो वहां पॉजिटिव में था एम एक्स वो यहां नेगेटिव हो गया और दोनों नेगेटिव वाले क्या हो गए पॉजिटिव हो गए तो यहां पे एम और टी में रिलेशन आप देख सकते हो कि एम की वैल्यू माइनस टी होती है टी की वैल्यू माइनस एम होती है तो आपको मान लो स्लो फॉर्म याद है पैरामेट्रिक फॉर्म लिखनी है तो हम m को किसे रिप्लेस कर देंगे माइनस टी से आपको पैरामेट्रिक फॉर्म याद है स्लो फॉर्म याद नहीं है तो t को माइनस एम रख दो. दोनों आ जाएगी वहां से क्लियर है पॉइंट तो कंबाइन लिख लें एक बार फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म क्या हो जाएगी यहां पे बताओ फटाफट से कितनी फॉर्म्स पढ़ रहे हैं तीन पहली कौन सी है पॉइंट फॉर्म क्या होगी इक्वेशन बताओ y माइनस वाई वन माइनस वाई वन अपॉन टू एक्स माइनस एक्स वन तो इसको तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है वैसे याद रखेंगे तो स्लो फॉर्म याद रखेंगे पैरा फॉर्म भी याद नहीं रखनी स्लो फॉर्म याद रहेगी तो अपने आप याद हो जाएगी सेकेंड फॉर्म होती है स्लो फॉर्म और थर्ड वन होती है पैरामेट्रिक फॉर्म इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ इसमें y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब ये हो जाएगी इसमें क्या हो जाएगी y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस का टू ए टी प्लस का ए टी क्यूब क्यूबिक आ रही है देखो टी में भी क्यूबिका रही है एम में भी क्यूबिक आ रही आएगी ही तो ये इक्वेशंस होती हैं है ना और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं अगले पेज पे कर लेते हैं यहां तो कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट किसके लिए वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स के लिए और इसमें भी क्या कंडीशन होगी वेन स्लोप ऑफ नॉर्मल वेन स्लोप ऑफ नॉर्मल इज स्मॉल एम तभी लिख सकते हैं क्या हो जाएंगे इस पॉइंट पी के क्या हो जाएंगे एम स्क्वायर कोमा माइनस का टू ए एम हो जाएगा तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दोनों के याद नहीं रखने या तो टेंजेंट के रख लो या नॉर्मल के रख लो एक के रखोगे तो दूसरा निकाल सकते हो दोनों के रखोगे तो कंफ्यूज खुद हो जाओगे कि इसके कौन से है एक याद रखने आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिया तो टेंजेंट के लिए याद रख लो या नॉर्मल के लिए याद रख लो और उससे दूसरे निकाल सकते हो दोनों याद रखोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना किसके लिए क्या है याद तो दोनों है बट किसके लिए कौन सा है ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये होगी इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू टेंजेंट्स है ना दो टेंजेंट अगर जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना अपने को आना चाहिए है ना पी टी वन पॉइंट पी टी वन पॉइंट जो है इस पे टेंजेंट की इक्वेशन टी वन वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए टी वन स्क्वायर होगी क्लियर है पी टी टू पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्लियर है अपने को टी टू वाई इक्वल स्क्वायर होगी दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे अपन है ना दोनों टेंजेंट की इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो मेरे को x कोऑर्डिनेट मिलेगा ए टी वन टी टू वाई कोर्डिनेट मिलेगा ए टी वन प्लस टी टू एक्स कोर्डिनेट जो है ए टी वन टी टू जो मिला है नोटिस करना है ज्योमेट्रिक मीन है ज्योमेट्रिक मीन है इन दो एक्स कोऑर्डिनेट्स का ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो वाई कोऑर्डिनेट मेरे को मिला है ये नोटिस करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे इनके वाई कोऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन है है ना तो इसको मैं कैपिटल जी से कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करूं इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करूं अरिथमेटिक मीन को है ना तो एक याद रखने की भाषा बस है ये कि इसको गोवा रूल बोलते हैं g, a g, a गोवा रूल ठीक है भाई याद रखने की भाषा है नाम नहीं है मैथमेटिशियन लोगों ने नहीं बना रखा कि भाई इसको गोवा रूल करके इसका नाम बना दिया नहीं याद रखने की भाषा है ठीक है बता देता हूं एक बार और आपको कि ज्योमेट्रिक मीन जो ये a t1 d2 आया है ये ज्योमेट्रिक मीन हर केस में नहीं बोला जा सकता क्योंकि मैट्रिक मीन तो आप देखोगे तो ये है एन स्क्वायर इन टू ए टी टू स्क्वायर का अंडर रूट और ये मोड ए t1 टी टू होता है मैट्रिक मीन जो है वो मोड ए t1 टी टू होता है क्योंकि मैट्रिक मीन तो एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है ठीक है मगर यहां पे ये लिखा है ये ज्योमेट्रिक मीन है ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है है ना तो बोलेंगे या तो ये ज्योमेट्रिक मीन है या ये नेगेटिव ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है आइदर दिस क्वांटिटी इज प्लस जी और दिस इज माइनस जी ठीक है या तो ये जी कोमा ए है या ये माइनस जी कोमा ए है क्योंकि जब हम मोड ए वन ए टी वन टी में मोड हटाएंगे तो या तो प्लस के साथ ओपन होगा या माइनस के साथ ओपन होगा क्लियर है ना ये बात अपने को है ना और ये जो ऑब्जर्वेशन है ये जो ऑब्जर्वेशन है ये ऑब्जर्वेशन जब बाकी पैराबोलास पे देखी होरिजोनटल पैराबोला हो वर्टिकल पैराबोला हो ओब्लिक पैराबोला हो ये ऑब्जर्वेशन सब पे लग रही है ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि जो इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स है इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स है या तो वो जी कोमा ए मिलेगा या वो माइनस जी कोमा ए मिलेगा तो है ना क्योंकि जी मेरा पॉजिटिव होता है जी मेरा पॉजिटिव होता है ठीक है अब वो माइनस एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू माइनस आएगी या प्लस आएगी वो डिपेंड करेगा जो सिचुएशन अपने को दी है उस सिचुएशन में जो पैराबोला है आप उस पैराबोला को बनाइए और उस पैराबोला पे जो टेंजेंट खींचनी है उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इस इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एनालाइज कीजिए कोड्रेंट कौन सा है ठीक है मैं यहां पे फिर बता दूं कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है आप इस एक्स कोऑर्डिनेट को एनालाइज कीजिए कोड्रेंट कौन सा है अगर तो वो सेकंड थर्ड कोड्रेंट होगा तो एक्स मेरा नेगेटिव होगा उस केस में उस केस में माइनस जी वाला रूल अपने को लगा देना है ठीक है ये वाला पॉइंट अगर मेरा x1 वन कोमा वाई वन हो ये वाला पॉइंट अगर मेरा x2 टू कोमा वाई टू हो अपने को यहाँ पे डायग्राम से समझ में आता है कि ऐसा डायग्राम बन रहा है तो ये जो x कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट एक्स वन एक्स टू जो मैट्रिक मीन हो गया तो माइनस अंडर रूट एक्स वन एक्स टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू बाय टू ठीक है ना तो जो मीन निकल गया इनका एक्स वन एक्स टू का और उसके आगे माइनस लगा दिया मैंने क्योंकि मुझे पता है मेरा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आने वाला है और अरिथमेटिक मीन मैंने लिख दिया यहाँ पे वाई वन प्लस y2 है जी? समझ में आ रही है ना बात तो इंटरसेक्शन ऑफ द जी कोमा ए और माइनस जी कोमा ए जी कोमा ए वाला फॉर्मूला लगेगा कि माइनस जी कोमा ए वाला फॉर्मूला लगेगा वो डायग्राम से जज किया जा सकता है ठीक क्लियर हो गई बात इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट अपने को क्लियर है एंड फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एवरी पैराबोला जो पैराबोला हो oblique हो कैसा ही parabola हो लगा सकते हैं हम है है ना G का मतलब जो of x coordinates, का मतलब जो so, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू नॉर्मल्स ठीक है, है? यहां पे टी वन पॉइंट पे नॉर्मल लिखी मैंने टीवन पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखी

है ना ये इक्वेशन वन हो गई ये इक्वेशन टू हो गई जब दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू मेरी ये आएगी और वाई की वैल्यू मेरी ये आएगी यही मैंने यहां पे लिख दिया यही मैंने यहां पे, लिख दिया. मैंने यहां पे लिख दिया. X मेरा आया है टू ए प्लस ए टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टी वन टी टू आया है माइनस ए टी वन टी टू इंटू टी वन प्लस टी टू ठीक है ये वाला फॉर्मूला स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए ही एप्लीकेबल है एप्लीकेबल फॉर, एप्लीकेबल फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स पैराबोला इस पैराबोला के लिए ही एप्लीकेबल है ठीक है इस पैराबोला के लिए एप्लीकेबल है कोई दूसरे पैराबोला के लिए अगर आ गया तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखनी पड़ेगी और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके ठीक है ना अगर कोई और पैराबोला के लिए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ नॉर्मल लिखना आ गया तो बट मैक्सिमम टाइम हम स्टैंडर्ड पैराबोला को डील करते हैं इसलिए हम इस फॉर्मूला को ही सिर्फ याद रखते हैं ठीक है आपका क्वेश्चन सॉल्विंग पे कोई असर नहीं आने वाला अगर ये ना भी याद रखो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स ना भी याद रखो तो भी क्वेश्चन सॉल्विंग पे फर्क नहीं पड़ने वाला मगर मगर जो सवालों में डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज हो रहा होगा बहुत ही कम सवाल ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज हो रहा हो वो सवालों में आपको थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो खट से आप उसका इस्तेमाल करके और तुरंत आंसर बता सकते हैं ठीक है वो बस एक बात है तीसरी बात है ना ध्यान से देखना सीन बोला है मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स पैराबोला मेरे पास और यहां एक पॉइंट है पीटी वन ठीक है जी पी टी वन पॉइंट है जी पी टी वन पॉइंट है पी टी वन पॉइंट का मतलब समझते हो ना जिसके कोऑर्डिनेट a टी वन स्क्वायर कोमा टू ए टी वन हो ठीक है इसके ऊपर जो नॉर्मल है इसके ऊपर जो नॉर्मल है मैंने वो ड्रॉ कर दी तो नॉर्मल है तो जी ये लो टेंजेंट और नॉर्मल तो कुछ ऐसे नाइन्टी डिग्री बनाती है इसके ऊपर मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दी जो पैराबोला को फिर से काट रही है आप इस बिंदु पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो पैराबोला को फिर से काटेगी कि नहीं काटेगी बिल्कुल काटेगी काटेगी सर मैं कहना चाहता हूं कि पूछना चाहता हूं कि मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो आप मेरी इंटेंशन समझ गए T1 पे ड्रॉ की गई नॉर्मल फिर से पैराबोला को जहां काटती है मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए यह है मेरा इंटेंशन तो मैं ये कहता हूं कि आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हो तो आप इस पॉइंट का टी निकाल लो बस कितना है टी निकल गया तो टी से एक्स और कोऑर्डिनेट तो सीधे पता चल जाएंगे टी मतलब इसका टी मान लेते टी टू है मान लो ये पॉइंट पी टी टू है तो मेरा इंटरेस्ट है टी टू निकालने में जैसे ही टी टू निकल गया तो मैं खट से कह दूंगा कि ए टी टू स्क्वायर कोमा टू ए टी टू इसके कोऑर्डिनेट हो गए तो टी टू में इंटरेस्ट है पूरा का पूरा तो टी वन पॉइंट पे नॉर्मल पैराबोला को काटती है फिर से टी टू पे टी टू की वैल्यू बताओ ये सवाल है कैसे किया जाए बताइए कैसे किया जाए जरा इस सवाल को तो इस सवाल को इक्वेशन ऑफ लाइन तो पता ही है नॉर्मल नॉर्मल की इक्वेशन तो पता ही है वाई इज इक्वल टू माइनस टी वन एक्स प्लस टू ए टी वन प्लस ए टी वन ए टी वन क्यूब ठीक लिखा हुआ है तो एक आदमी कहता है कि इस नॉर्मल का जो स्लोप है वो कितना है माइनस टी वन एक आदमी कहता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस टी वन है और वो आदमी एक और बात भी कह देता है वो कहता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन भी है वो आदमी कहता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन भी है और कहता है कि यहां से टी टू निकाल लो टी टू निकल जाएगा यहां से तो यहां से निकालते हैं टी टू जरा माइनस टी वन इज इक्वल टू ए तो ऊपर नीचे से हो गया कैंसल है ना है ना ए कैंसल हो गया टी टू माइनस टी वन भी देखो हो रहा है वैसे है ना? ये T2 T1 वन टी वन टी टू बराबर तो हो नहीं सकते क्यों नहीं हो सकते क्योंकि टी वन टी टू दो डिफरेंट पॉइंट है तो इसको जरा रेसिप्रोकल कर दें तो माइनस वन बाई टी वन इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू बाय टू टू को ले गए इधर टू को इधर ले गए तो माइनस टू बाय टी वन इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू तो टी टू निकालना है तो माइनस टी वन माइनस टू बाय टी वन ये आपको समझ आनी चाहिए बात टी टू निकल गया माइनस टी वन माइनस टू बाई टी वन अगर बात समझ में आ रही है तो इस पूरी बात को अपन नोट कर लेंगे ठीक है और यहां पे याद करना है इसको वेरी इंपॉर्टेंट बहुत बार इस रिजल्ट का इस्तेमाल आता है तो हम बोलेंगे कि इफ नॉर्मल एट पी टी वन टू दैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स सारी कहानी फोर ए एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर पैराबोला के लिए हो रही है ये स्टैंडर्ड पैराबोला है इसी को डिटेल में बहुत डीपली पढ़ा जाता है ठीक है है ना नॉर्मल एट पीटी वन टू दैराबोला इंटरसेक्ट दैराबोला अगेन एट इंटरसेक्ट दैराबोला अगेन एट P t2, then, जो मेरा T2 है वो माइनस टी वन माइनस टू बाई टी है ये संदेश दिया गया है इस फॉर्मूला से समझ में आ रही क्या आ रही अरे समझ में आ रही है क्या ये संदेश इस फॉर्मूला से दिया गया है T2 टू इक्वल टू माइनस टी वन माइनस टू बाई टी अभी के अभी याद हो जाना चाहिए फिट हो जाना चाहिए डायग्राम फिट हो जाना चाहिए यह संदेश फिट हो जाना चाहिए है ना? प्रॉपर्टी so, पे चलते हैं जी आगे Normal के बारे में कई सारी बातें अपने को जाननी है नेक्स्ट बात सुनिए जरा आप पहले सुन लो सिचुएशन क्या है पैरा बोला है मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स ठीक है जी अभी मैंने आपको बताया कि सर पी टी वन के ऊपर पी टी वन के ऊपर नॉर्मल खींचोगे पैराबोला को फिर से काटेगी है ना नॉर्मल है ये पैराबोला को काटेगी पी टी टू पे और टी टू को बता सकते हो आप टी टू कितना है माइनस टी वन माइनस माइनस टी वन माइनस टू बाय टी वन ठीक है ना? और अगर मैं इसको नाम दे दू पी टी थ्री का इसको अगर मैं पी टी थ्री का नाम दे दू तो आप बोलेंगे टी थ्री इक्वल टू माइनस टी वन माइनस टू बाई टी वन ठीक है, है पैराबोला पे एक और बिंदु ऐसा है पैराबोला पे पी टी टू जिसके ऊपर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो वो भी इसी से पास करता है नॉर्मल पहले तो सोचने वाली बात यह है कि क्या एक और बिंदु ऐसा हो सकता है क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा तो फिर यहां पे इंटरेस्ट एरिया आ जाता है कि वो बिंदु कहाँ होगा समझ में आ रही कि नहीं आ रही तो यहां पे मेरा डिस्कशन पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि अरे यहां से जानी चाहिए तो है ना ये नॉर्मल है दिखने में तो भाई बिल्कुल सही डायग्राम कैसे बन सकता है ठीक है तो यहां मेरा कहना है कि नॉर्मल एट नॉर्मल एट यहां लिख देता हूं नॉर्मल एट पी टी वन नॉर्मल एट पी टी वन एंड पी टी टू विल पास थ्री ऑब्वियसली मैंने पीटी थ्री लिखा है तो पैराबोला पे लाई कर रहा है, है ना विल पास थ्रू पी टी थ्री है ना विच इज ऑब्वियसली लाइंग ऑन दैराबोला लाइंग ऑन द पैराबोला देन कंडीशन जनरेट करना चाह रहा हूं मैं टी वन टी टू टी थ्री में देन कंडीशन जनरेट करना चाह रहा हूं मैं T1, T2 और T3 में है ना ये है मेरा मेन उद्देश्य तो मैं ये कहूंगा कि सर T1 से जो नॉर्मल यहां खींची गई है वो T3 पे पैराबोला पे को इंटरसेक्ट करती है तो T3 को तो लिख दो माइनस T1 वन माइनस टू बाई टी ठीक है और यहां ध्यान से देखो अगर मैं टी वन से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ऐसी सिचुएशन हो गई और ऐसी सिचुएशन जब हो गई तो एक टीवन में कुड्रेटिक नजर आई एक T1 में कुड्रेटिक नजर आई और यहां से मैंने कहा कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टी थ्री की दो वैल्यू होंगी दो रूट आएंगे जी अगर t1 की एक वैल्यू उठा के डाली आपने वन बाई टू तो इसको सोल्व करेंगे तो t1 की दो वैल्यू आएंगे तो एक चाहिए थी तो इसका मतलब एक और जगह की नॉर्मल यहां से पास कर रही होती है इसलिए ये t1 की दूसरी वैल्यू बेसिकली टू है अरे समझ में आ रही है कुड्रेटिक हमें बता रही है कि एक और बिंदु मिलेगा अरे समझ में आ रही है क्या बात बात समझ में आ रही है यूनिक वैल्यू ऑफ टी वन वी विल हैव टू वैल्यूज ऑफ फॉर अक वैल्यू ऑफ टी थ्री वी विल है एक टी थ्री की यूनिक वैल्यू के लिए हमारे पास टी वन की दो वैल्यूज आई है मतलब वो एक टी वन है तो दूसरा क्या है टी टू ये बात कहना चाह रहा हूं ठीक है ये तो ये तो समझ में आ गया ना अपने को ये तो समझ में आ गया तो अगर अपने को यह समझ में आ गया अगर अपने को यह समझ में आ गया तो फिर इसका मतलब अपने को यह भी समझ में आ जाएगा कि देखो जी जो t3 जो t3 है दाइनस टी वन माइनस टू बाई टी t2 और एक बात क्लियर हो चुकी है कि हमें दो अलग अलग t1 t2 मिल चुके हैं ऐसे जिन पे नॉर्मल जो है वो t3 से पास करेगी समझ में आ रही बात आपको अरे समझ में आ रही है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं इस वाली घटना को इस वाली इक्वेशन को सोल्व कर लूं तो जो T1 T2 में रिलेशन आएगी उस रिलेशन के हिसाब से T1 T2 मेरे को मिलेंगे तो एक सेम बिंदु से नॉर्मल पैराबोला पे पास करेंगे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात तो मैं इनको यहां पे सोल्व करने की इच्छा रखता हूं तो इन दोनों को जो सोल्व करने की इच्छा रखते हैं तो करते हैं सोल्व देखो माइनस टी टू को इस तरफ लाएं आप तो प्लस टी टू हो गया इसको आप राइट में लेके जाए तो टू बाय टी वन माइनस टू बाय टी टू हो गया तो टी टू माइनस टी वन ये चीज हो गई ठीक है ले लेते हैं टू कॉमन निकाल लेते हैं टी वन टी टू लेंगे तो यहाँ पे टी टू माइनस टी वन आ गया मैं कहता हूं टी टू माइनस टी वन जीरो नहीं हो सकता तो इस फैक्टर को कैंसिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है टी वन टी टू की वैल्यू आप देख लें 2 आ गई है t1 t2 की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है तो t1 t2 equal to 2 वो कंडीशन है t1 t2 equal to 2 वो कंडीशन है अगर ये कंडीशन वैलिड हो रही होगी t1 t2 के रिस्पेक्ट में तो इसका मतलब यहां पे खींची गई नॉर्मल एक ही बिंदु से पास कर रही होगी पैराबोला के ऊपर अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही तो कंडीशन निकल के आ गई t1 t2 तो अगर t12 2 हो रहा है तो उनके करस्पोंडिंग फिर t3 कहां होगा भाई t3 निकाल सकते हो आप t3 निकाल सकते हो आप t3 तो t3 भी निकाल देता हूं मैं देखो t3 भी लिख देता हूं t3 ध्यान से देखो मेरी नजरों से देखना आप मैं कह रहा हूं 2 t2 t1 के बराबर है क्या कह रहा हूं 2 t2 मैं कह रहा हूं टू बाई टी टू टी वन के बराबर है तो टी थ्री निकल गया माइनस टी वन प्लस टी टू अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही टू बाई टी टू कितना है टू बाई टी टू टी वन के बराबर तो को, तो को मना टी वन प्लस टी टू इक्वल टू टी थ्री तो टी थ्री तो भी मेरा निकल गया है माइनस टी वन प्लस टी टू तो यहां पर टी थ्री निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकालो टी वन टी टू में कंडीशन देखनी है तो ये वाला फॉर्मूला बताएगा आपको मुझे लगता है सब कुछ ही समझ में आ गया होगा आपको ठीक है नोट कर ये दो बातें अपने को यहां समझ में आ रही हैं तो मेरा टास्क यहां पे था टी वन टी टू टी थ्री में कंडीशन निकालना ठीक है टी वन टी टू टी थ्री में कंडीशन निकालना मेरा टास्क था और कंडीशन मैंने निकाल ली है जी T1 T2 में ये कंडीशन होनी चाहिए और T3 निकल जाएगा मेरा माइनस टी वन प्लस टी टू करके ठीक है ठीक है ना पूरा यहाँ पे जो सीन है पूरी जो सिचुएशन है वो क्लियर होनी चाहिए कि पैराबोला पे पी टी वन पॉइंट है और पी टी टू पॉइंट है यहाँ से जो नॉर्मल खींची गई है वो पैराबोला के ऊपर ही एक बिंदु पे काट रही है ना वैसे तो एक बिंदु पे बाहर और कहीं और तो काट ही सकती है वो बगर पैराबोला के ऊपर ही एक बिंदु पे काट रही है तब T1, T2, T3 में क्या कंडीशन होंगी वो कंडीशन यहाँ पे हमने देख ली तो यहां पे अपने को याद भी अभी हो जाना चाहिए याद हो भी गया है T1, T2 टी टू इक्वल टू टू एंड टी थ्री इक्वल टू माइनस ऑफ टी वन प्लस टी टू याद हो गया भाई अभी के अभी ठीक तो ये क्लियर हो गया तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पकड़ते हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट में मज़ा आएगा जी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आईटी वाले एडवांस वाले सवाल पूछते हैं जी कई बार जेई मेंस के पेपर में भी एक छोटू सवाल आ गया था आपकी बार जिसको नोट्स याद थे उसने तो बिना सोल्व करते ही टिक कर दिया होगा बाकी उसमें बाजा बजाते रहो नहीं सोल्व होगा नहीं तो, तो बात क्या है सुनिए पॉइंट क्या है ये यहां पे मैंने एक पैराबोला बना दिया ठीक है पैराबोला है अपना वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स कहानी सारी वाई एक्स पैराबोला के लिए ही समझी जा रही है एक नॉर्मल एक नॉर्मल लिख दी मैंने एक नॉर्मल लिख दी मैंने नॉर्मल ऑफ स्लोप एम है ना एम स्लोप की एम स्लोप की मैंने नॉर्मल लिख दी ठीक है जी तो एम स्लोप की नॉर्मल तो इक्वेशन क्या होगी जी उसकी वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब ये नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी है ना नॉर्मल है ये नॉर्मल है इसका मतलब यहां पे जो टेंजेंट है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है ठीक है ओके जी अब ध्यान से सुनना मैं एक बात कह रहा हूं ध्यान से सुनना बिल्कुल एकदम मैं कह रहा हूं कि जी ये एक नॉर्मल है फिक्स नॉर्मल फिक्स नॉर्मल एम स्लोप ये की ये नॉर्मल है बिल्कुल एकदम पैराबोला के ऊपर इस नॉर्मल पे लाए करने वाला मैंने एक एच कोमा के पॉइंट पकड़ लिया नॉर्मल पे लाए करने वाला कोई पॉइंट पकड़ लिया मैंने मना थोड़ी कर सकते हो पकड़ लिया पकड़ लिया अब क्या ये एच कोमा के इसको सेटिस्फाई करेगा क्या बिल्कुल करेगा तो एच कोमा के इसको सेटिस्फाई करने लग गया एच कोमा के इसको सेटिस्फाई करने लग गया जैसे ही मैंने सेटिस्फाई कराया, कराते ही मैंने देखा क्यूबिक इक्वेशन है M में। कराते ही मैंने देखा कि M में, M में एक क्यूबिक इक्वेशन मेरे पास है और एम में जो क्यूबिक इक्वेशन है उसको थोड़ा प्यार से लिख दिया मैंने यूं करके एम में क्यूबिक इक्वेशन है इस क्यूबिक इक्वेशन को देख के कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या आप इस क्यूबिक इक्वेशन को देख के कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं सुनना अगली लाइन को ध्यान से कि एक एक फिक्स फिक्स कोमा कोमा के के लिए एक h, के लिए तीन सेम की वैल्यू संभव है एक फिक्स कोमा एचकोमा के लिए तीन एम की वैल्यू मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल संभव है स्लोप ऑफ नॉर्मल संभव है तो उनकी नॉर्मल भी कहीं ना कहीं रही होगी तो एक फिक्स कोमा एक फिक्स एच कोमा के से पास होने वाली तीन नॉर्मल हो सकती हैं। ये यहां से प्रूफ कर दिया मैंने कि एक बिंदु से तीन नॉर्मल खींची जा सकती हैं। सर्कल में एक बिंदु से नॉर्मल खींचनी है मेरे को सर्कल में एक बिंदु से नॉर्मल खींचने कितने खींच सकते हो आप एक ही खींच सकते हैं जो सेंटर से पास हो रही हो वही होती है नॉर्मल तो एक ही बिंदु एक बिंदु से सिर्फ एक नॉर्मल खींची जाती सर्कल पे मगर पैराबोला में पैराबोला में एक बिंदु से कितनी नॉर्मल नॉर्मल पे आपको प्रूफ करने को मिल रही है। तीन खींची जा सकती समझ में आ रही कि नहीं आ रही मगर यहां पे गेम अभी बाकी है अगर इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रियल रूट और दो इमेजिनरी रूट आ गए तो, तो एक ही नॉर्मल खींची जा सकती है फिर तो हमें यह बोलना चाहिए कि एक बिंदु से एक तो हंड्रेड परसेंट खींची जा सकती है नॉर्मल मैक्सिमम तीन नॉर्मल खींची जा सकती है क्या ऐसा संभव है कि एक बिंदु से दो नॉर्मल ही खींची जा सकती हो इस इक्वेशन के रूट ऐसे आगे वन टू कोमा टू रिपीटेड रूट अगर आ जाते हैं मान लो भाई रिपीटेड रूट आ गए तो फिजिकली तो दो नॉर्मल ही संभव हुई ना ऐसे केस में अरे समझ में आ रही है क्या बात बातें समझ में आ रही है क्या सो फ्रोम अ फिक्स पॉइंट यहां पे फिर तीन मेरे को तीन मेरे को यहां पे स्लोप मिलेंगे तीन स्लोप मिलेंगे तो तीन नॉर्मल मिलेंगी तो ये वाले जो नॉर्मल है इस नॉर्मल का बेसिकली जो स्लोप है वो एम वन मेरे को बोलना पड़ेगा ना जो एम है भैया एम की वैल्यू आ गई तो इसका जो स्लोप है इसका स्लोप मेरे को एम वन बोल दिया मैंने ठीक है इसके स्लोप को मैंने एम टू बोल दिया इसके स्लोप को मैंने एम थ्री बोल दिया है ना नॉर्मल है जी है ना नॉर्मल है ठीक है तो अ गिवन पॉइंट अ गिवन पॉइंट मैक्सिमम three नॉर्मल्स कैन बी ड्रोन three नॉर्मल्स कैन बी ड्रोन ये हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ आई है ठीक है और यहां पे ये चीज हमें समझनी है कि इस पॉइंट से जो तीन नॉर्मल मैंने ड्रॉ किए हैं इन नॉर्मल्स ने पैराबोला को जो यहां पे काटा है ए पॉइंट बी और पॉइंट सी पे इनको फुट ऑफ नॉर्मल्स बोलते हैं पॉइंट 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 ए बी सी को फुट ऑफ नॉर्मल्स होते हैं जहां से जहाँ एक पॉइंट से जब नॉर्मल खींचू पैराबोला के ऊपर तो पैराबोला को जहां काट रही है उन पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ नॉर्मल्स तो ये यहाँ पे अपने को समझ आ गया कि ये जो ए बी सी पॉइंट्स हैं ए बी सी पॉइंट्स आर कोल्ड एज फुस्ट फुट ऑफ कोल्ड एज फुट ऑफ नॉर्मल्स ठीक है ये बात अपने को पता चल गई और अपने को क्या क्या पता चल रहा है जी यहाँ से और अपने को इंटरेस्टिंग बात पता चल रही है कई सारी और भी क्या इंटरेस्टिंग बात और पता चल रही है अपने को अपने को ये पता चल रहा है कि इन तीनों नॉर्मल्स का जो स्लोप है उनका सम जीरो आ रहा है क्योंकि सम ऑफ रूट करके देखोगे तो एम स्क्वायर की टर्म तो है ही नहीं इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है किसी बिंदु से आप तीन नॉर्मल मारोगे उनके स्लोप का जोड़ मुझको क्या मिलेगा जीरो मिलेगा ठीक है तो यहां से एम वन प्लस एम टू एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री मेरे को जीरो मिल रहा है तो हम बोल सकते हैं सम ऑफ सम ऑफ स्लोप्स ऑफ थ्री नॉर्मल्स थ्री नॉर्मल्स इज इक्वल टू जीरो बोले तो एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री की वैल्यू हमको जीरो मिल रही है ठीक है ये यहां से एक बात अपने को पता चल रही है ठीक है जी बहुत ही बढ़िया ये जो पॉइंट है पॉइंट एबीसी इन पॉइंट ए बी सी को बोला जाता है को नॉर्मल प्वाइंट्स क्या बोला जाता है को नॉर्मल पॉइंट को नॉर्मल पॉइंट्स का मतलब यहां से अगर आप नॉर्मल खींचोगे तो एक बिंदु से पास करेंगी मतलब यहां की तीनों नॉर्मल कनकरेंट हैं बेसिकली इनको बोलेंगे को नॉर्मल पॉइंट तो को नॉर्मल पॉइंट हो गए वो तीन पॉइंट लाइंग ऑन दैराबोला जहां की नॉर्मल कनकरेंट हो ठीक है, फुट ऑफ नॉर्मल्स एंड यही जो है points आपके एंड सी इनको बोलेंगे हम को नॉर्मल पॉइंट्स तो को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं अपने को पता चल जाने चाहिए ठीक है को नॉर्मल पॉइंट अपने को समझ में आ गए ठीक है अब मैं जो है ना एक बात कहना चाहता हूं आपको क्या बात कहना चाहता हूं मैं मैंने ये बात तो आपको कह दी कि सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल्स इक्वल टू जीरो अब मैं कहना चाहता हूं कि ये जो को नॉर्मल पॉइंट है ना इनके वाई कोऑर्डिनेट्स का जोड़ भी जीरो मिलेगा ये कहना चाह रहा हूं मैं मैं कहना चाह रहा हूं कि जी सम सम ऑफ स्लोप्स, सम ऑफ़ स्लोप्स, स्लोप्स क्या सम ऑफ स्लोप्स तो जीरो है ही सम ऑफ़ वाई कोऑर्डिनेट्स, सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स इक्वल टू जीरो ये बात मैं जीरो कहना चाह रहा हूं मुझे लगता है बात बिल्कुल ठीक भी है जीरो कहने भी चाहिए हमें सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स आप देखो तो वाई कोऑर्डिनेट पहला वाई कोऑर्डिनेट तो हो गया, दूसरा टू ए टी टू हो गया और तीसरा टू ए टी थ्री हो गया तो ये हो गया सम ये सम हो गया और आपको पता है कि जो टी वन है ये माइनस एम वन होता है, है ना टी टू जो है माइनस एम टू होता है और टी थ्री जो है माइनस एम थ्री होता है तो माइनस टू ए एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री हो गया और एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री की वैल्यू जीरो होती है तो सम समाई कोर्डिनेट्स भी मेरा जीरो हो गया तो को नॉर्मल पॉइंट्स की बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि उनके वाई कोऑर्डिनेट्स का जो जोड़ है वो जीरो होता है ठीक है और वैसे तो मैं लिख ही चुका हूं लेकिन एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि जी एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री की वैल्यू अपने को पता है जीरो है और सम ऑफ रूट्स टेकन टू टाइम भी लिखे हैं अपन तो उसकी वैल्यू भी अपन बता सकते हैं है ना कितनी वैल्यू हो गई उसकी सी बाये हो गया टू ए माइनस एच एच है ये टू ए माइनस एच डिवाइड बाई ए है ना तो ये हो गई टू ए माइनस एच डिवाइड बाय ए और तीनों जो स्लोप है तीनों स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो भी अपने को समझ में आ गया माइनस के बाय ए हो गया ठीक है ये हो गया आपका माइनस के बाय ए हो गया ठीक है अब मेरा एक और मन कर रहा है मेरा मन कर रहा है कि ये जो तीन पॉइंट है ना ए बी सी इन तीन पॉइंट से ट्राइंगल बन रही है ना मैं इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालना चाहता हूं जी ट्राइंगल क्या निकालना चाहता हूं सेंट्रोइड

सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट जीरो मिल रहा है एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं क्या अपन एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बिल्कुल है ना देखो यहाँ पे इन बिंदुओं को इस पॉइंट को मैं आ, नाम दे रहा हूँ ए वन स्क्वायर कोमा टू ए वन का इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए टू स्क्वायर कोमा का इसको नाम दे रहा हूँ ए स्क्वायर कोमा का तो मैं आपसे सेंट्रोइड पूछना चाह रहा हूं सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल मेरा इंटरेस्ट है सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय को नॉर्मल पॉइंट ठीक है तो तो इस सेंट्रोइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या काम करवाओ जरा कोऑर्डिनेट कितना हो गया जी A, M, one square बोल दो या फिर और और की बात है तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो एम वन स्क्वायर प्लस ए एम टू स्क्वायर प्लस ए एम थ्री स्क्वायर बाय थ्री है ना क्यों लिख दिया भी मैंने क्योंकि t1 वन इज माइनस एम वन टी टू इज माइनस एम टू टी थ्री इज माइनस एम थ्री ठीक है तो अब यहां पे a को मैंने ले लिया कॉमन एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस एम थ्री स्क्वायर जो है इसको लिख दिया मैंने एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू एम वन एम टू प्लस एम टू एम थ्री प्लस एम थ्री एम वन ठीक है ये सीन हो गया डिवाइड बाई थ्री तो करना ही है एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री कितना है जीरो है और इसकी वैल्यू अभी कितनी आई थी टू ए माइनस एच बाई ए ऐसा कुछ याद आ रहा है मेरे को ठीक है याद आ रहा है ना तो टू ए माइनस एच बाई ए से ए कैंसिल होकर के ये आ गया टू बाई थ्री टू बाई थ्री माइनस साइन को एडजस्ट करेंगे एच माइनस टू ए हाँ आ गया बस टू बाई थ्री एच माइनस टू ए है ना हम्म तो सेंट्रोइड हो गया आपका टू बाई थ्री टू बाई थ्री एच माइनस टू ए एच माइनस टू ए एक्स कोऑर्डिनेट कोमा जीरो वाई कोऑर्डिनेट जीरो ठीक है जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारा जीरो आता ही है ठीक है ये एक ए था ए से कैंसिल हो जाएगा यस टू बाई थ्री एच माइनस टू ए तो है टू बाई थ्री एच माइनस टू ए एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट जीरो क्लियर है एक सवाल है मेरे मन में सवाल क्या है एक बार सुन लीजिए जरा आप सवाल कुछ ऐसा है है ना सोचना उसके ऊपर फिर सोचेंगे अपन सवाल मेरा ये है है ना बहुत ही ध्यान से सुनना है एक बात तो तय हो गई थी हमारी कि एक बिंदु से जब हम तीन नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो दो संभावनाएं हैं तीनों रियल नॉर्मल की संभावना है या एक रियल और दो इमेजिनरी नॉर्मल मतलब एक ही रियल नॉर्मल की संभावना है क्यों क्योंकि मेरी ये जो क्यूबिक इक्वेशन है या तो ये तीनों रियल रूट देगी या एक रियल रूट देगी क्लियर है मैं ये जानने में इच्छुक हो रहा हूं कि कोमा के में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि यहां से तीन रियल नॉर्मल ड्रो हो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं एच कोमा के में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि तीन रियल नॉर्मल ही ड्रो हो ठीक है तो सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी याद हो गया आपने को तो अब बारी आती है कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर थ्री रियल नॉर्मल कंडीशन फॉर थ्री रियल नॉर्मल्स ठीक है यहां पे मेरे को क्लियर है कि पैराबोला मेरा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स अगर है एच कोमा के पॉइंट से या तो एक ही नॉर्मल ड्रॉ की जाएगी या फिर तीन नॉर्मल ड्रॉ की जा सकती हैं है ना या तो एक रियल नॉर्मल होगी या फिर तीन रियल नॉर्मल्स होंगी फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एच कोमा के Either we can draw three real normals, three real normals, or one real, one real normal, two imaginary normals, and a imaginary. नॉर्मल्स टू इमेजनरी नॉर्मल्स का मतलब वो नॉर्मल एक्चुअली फिजिकल तो कुछ है नहीं एक ही रियल नॉर्मल की बात हो गई बस एक कहने में बात आ जाती है रूट्स की भाषा में कहते हैं तो बात आ जाती है कि वन रियल नॉर्मल टू इमेजनरी नॉर्मल ठीक है ना तो समझ जाना फीलिंग को आप तो मैं वो कंडीशन डिराइव करना चाहता हूं कि मुझे पता चल जाए कि हाँ यार ये एच कोमा के में कंडीशन होगी तो वहां से तीन नॉर्मल जो होंगी और मतलब तीन रियल नॉर्मल वहां से ड्रॉ की जा सकती हैं ठीक है थीके? तो बताइए जरा कुछ मजेदार बातें देखो जो मेरी क्यूबी की इक्वेशन बनी थी वो क्या थी लिख दू यहां पे मैं ए एम क्यू प्लस टू ए माइनस एच इन एम प्लस इक्वल टू जीरो ऐसी कुछ बनी थी तो अब बात एकदम साफ है कि एम वन एम टू एम थ्री तीनों रूट रियल आए इसकी कंडीशन देखनी है मुझको एम वन एम टू एम थ्री तीन रियल रूट की कंडीशन देखनी है एक क्यूबिक इक्वेशन के तीन रियल रूट कब आते हैं क्वाड्रेटिक के रियल रूट कब आते हैं दोनों जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो ग्रेटर देन जीरो हो या इक्वल टू जीरो हो है ना डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो तो टू रियल बट डिस्टिंग की बात कर रहा हूं एक मिनट के लिए ठीक है आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं क्यूबिक इक्वेशन के भी डिस्क्रिमिनेंट होते हैं क्यूबिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा से डिनोट किया जाता है और डेल्टा की वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाए तो तो तीन डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं समझ में आ रही क्या नहीं आ रही डेल्टा की वैल्यू जीरो हो जाए तो डिस्टिंक्ट में इक्वल वाली बातें होती हैं डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव होने पे इमेजिनरी रूट आते हैं क्यूबिक का भी डिस्क्रिमिनेंट होता है डिग्री चार की इक्वेशन का भी डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या

तो डेरिवेटिव से बता सकते हैं अपन क्यूबिक इक्वेशन के रूट का हालचाल क्या रहा होगा तो डेरिवेटिव की थ्योरी का इस्तेमाल करके क्यूबिक इक्वेशन को डील करना हम समझेंगे आगे तो अगर हमारे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि यार बताइए इस पॉइंट से तीन नॉर्मल ड्रॉ की जा सकती है क्या रियल नॉर्मल तो हम डेरिवेटिव की थ्यूरी की मदद लेंगे जो आपको बारहवीं क्लास में सिखाई जाएगी समझ में आ रही बात मगर एक स्पेशल केस अभी हम देखने वाले हैं हम एक स्पेशल केस क्या देखने वाले हैं कि ये बिंदु कोमा के की बजाय सिंपल कर दू मैं एच कोमा जीरो कर दू अगर मैं के की वैल्यू जीरो कर देता हूं यहां पे मतलब मैं इसको एक्स एक्सिस का बिंदु ले लेता हूं ये बिंदु किस पे ले ले लेता हूं एक्स एक्सिस के ऊपर ले, ले लेता हूं मैं है ना इस बिंदु को एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया मैंने ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई ये मेरी वाई एक्सिस हो गई तो मैं बस आपसे एक बहुत सिंपल भाषा में जानना चाहता हूं कि एक्सिस का कोई बिंदु एच कोमा के एच कोमा जीरो हो गया वो तो एक्सिस का बिंदु एच कोमा जीरो ले लें तो एक्सिस के बिंदु एच कोमा जीरो से तीन रियल नॉर्मल कब ड्रो की जा सकती हैं ये मेरा इंटरेस्ट है तो यहां पर एक्सिस का बिंदु आपने लिया है तो के क्या ले लिया आपने जीरो ले लिया है ना कि आपने जीरो ले लिया तो इक्वेशन क्या हो गई सिंपल हो गई इक्वेशन सिंपल हो गई तो आप ज्यादा अच्छे से कमेंट कर पाओगे समझ में आ रही कि नहीं आ रही तो के की वैल्यू जब आपने जीरो ले ली तो एम यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया और एम कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया मेरा एम स्क्वायर इन हो गया ए एम स्क्वायर हो गया इक्वल टू जीरो तो इसके तीन रियल रूट कब आएंगे एक रियल रूट तो एम इक्वल टू तो जीरो आ गया यहां से एक नॉर्मल तो एक्स एक्सिस ये दिखी रही है सीधी सीधी समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो वाई एक्सिस टेंजेंट है उस परपेंडिकुलर है ठीक है एक नॉर्मल तो अपने को दिखी रही है तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एक रूट तो एम इक्वल टू तो तो जीरो हो ही गया और बाकी दो रियल रूट तब आएंगे जब ए एम स्क्वायर की जो वैल्यू है एच माइनस टू ए ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो जाके पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव तो आंसर आ पाएंगे अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई देखो ये इक्वल टू इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है स्क्वायर की वैल्यू कितनी H 2A? अरे बात समझ में आ रही है तो अच्छा तो एम स्क्वायर एच माइनस टू ए है तो एम स्क्वायर कितनी है एच माइनस टू ए डिवाइड बाय ए है ना तो यहां से एम स्क्वायर की रियल वैल्यूज आने के लिए फॉर रियल रूट्स फॉर रियल रूट्स फॉर रियल रूट्स आपका एच माइनस 2a a ये पॉजिटिव होना चाहिए है ना ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव और हम ये वाला पैराबोला ले रहे हैं हम जो हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड पैराबोला ले रहे हैं तो उसका a तो पॉजिटिव होता है पॉजिटिव a है इस पैराबोला का तो इसका a पॉजिटिव है तो ऊपर वाली चीज भी पॉजिटिव होनी चाहिए तो h 2a से बड़ा होना चाहिए मतलब ये हुआ कि 0 से a तक तो फोकस होता है फोकस से उतना ही और आगे चलो आप ए और आगे चलो है ना टू ए की दूरी चल पड़े आप टू ए के बाद जितने पॉइंट एक्सिस पे हैं वहां से ड्रॉ करोगे तो तीन रियल नॉर्मल आएंगी आपकी अरे समझ में आ रही क्या नहीं आ रही वहां से ड्रॉ करेंगे तो हमारी क्या आएंगी तीन रियल नॉर्मल आएंगी समझ में आ रही है क्या भाई समझ में आ रही है क्या ठीक है तो ये एच ग्रेटर देन टू ए की कंडीशन आ गई ये बार पेपर में सवाल था पहला सवाल था पेपर में जई मेन्स के जो अटेम्प्ट हुए थे उनमें इस कंडीशन पे सवाल था तो सीधा देखते टिक करना था है ना ऐसे दे रखा था एक्स कोऑर्डिनेट में कुछ दे दिया, कि की वैल्यू बताओ कोमा फोकस फोकस को और आंसर टिक करना था और तो कुछ करना नहीं था उसमें ठीक है लेकिन लोगों से काफी उसे नहीं और पहला सवाल पेपर का था तो पहले सवाल में अटक जाए तो फिर वैसे ही परेशानी हो जाती है तो बात यहां से ये समझ में आ गई कि फ्रॉम अ पॉइंट है ना फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट एच कोमा जीरो है ना विच इज लाइंग ऑन विच इज लाइंग ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला विच इज लाइंग ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला ध्यान से सुन लो बात को एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स इसका ए पॉजिटिव है मेरा थ्री रियल है ना थ्री रियल नॉर्मल्स है ना रियल है डिस्टिंक्ट भी है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे डिस्टिंक्ट ही होंगी बेसिकली थ्री रियल नॉर्मल्स है ना थ्री रियल नॉर्मल्स कैन बी कैन बी ड्रोन कैन बी ड्रोन इफ एच इज ग्रेटर देन टू ए ये आपको बात समझ आ जानी चाहिए एच इज ग्रेटर क्लियर है जी बात क्लियर ठीक है अब आपको एक मजे की बात बताता हूं इंपॉर्टेंट बातें थी नॉर्मल स्कोर डीपली हमने समझ लिया है, है ना एक पॉइंट से तीन नॉर्मल ड्रॉ हो रही है इस बात से नॉर्मल का पूरा पिक्चराइजेशन अपने को समझ में आ गया ठीक है तो नॉर्मल की थ्यूरी तो खत्म हो गई अब एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं आपको सारी किताबों में सारी का मतलब है सारी सारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स में मैंने तो सारे छान मारे मुझे तो बात आज तक मिली नहीं सही कहीं पे क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि कोई भी एचकोमा के हो कोई भी एचकोमा के हो एच की वैल्यू टू ए से बड़ी होगी एक्सिस पे प्ले करने की जरूरत नहीं है उसको समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं की वैल्यू टू ए से बड़ी होगी तो वहां से थ्री डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स ऐसा बोला हुआ है आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको अरे समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं आपको मैं और उसके पीछे उन्होंने तर्क भी दिया हुआ है तर्क क्या दिया हुआ तर्क बता देता हूं आपको मैं है ना है ना हमारा कहानी खत्म हो गई अब तो हम एक्स्ट्रा में बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोई भी एच कोमा के से आप तीन रियल नॉर्मल खींच सकते हो अगर एच की वैल्यू टू ए से बड़ी हो और उसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया है कि हमारी क्यूबिक इक्वेशन साहब ये वाली थी हमारी क्यूबिक इक्वेशन थी ये वाली है ना इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट एम वन एम टू एम थ्री होंगे तो तर्क ये देते हैं कि M1, M2 और M3 तीनों मेरे रियल होने चाहिए तब जाकर के तीन नॉर्मल आएंगी जी है ना अरे समझ में आ रही है और फिर कहते हैं तीनों रियल नंबर अगर है M1, M2, M3, तो M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर और M3 स्क्वायर का जो जोड़ है ये ग्रेटर देन जीरो हो रहा होगा क्योंकि इमेजिनरी नंबर के तो स्क्वायर के जोड़ भी नेगेटिव हो जाते हैं है ना तो कहते हैं कि जी ये चीज भी ग्रेटर देन जीरो से वो बोलते हैं कि जी, M1 plus M2 plus M3 का जीरो हो गया तो ये चीज तो जीरो हो गई और इसकी वैल्यू आपको मालूम है कितनी हो गई कितनी होगी इसकी वैल्यू टू ए माइनस एच बाय हो गई ठीक है तो यहाँ से आ गया माइनस टू ए इन टू टू ए माइनस एच बाय ए पॉजिटिव है तो माइनस कॉमन और निकालोगे तो प्लस टू से डिवाइड करोगे तो एच माइनस टू ए बाय पॉजिटिव है ये तो वही आ गई साहब जो मैंने अभी लिखी थी ये तो वही आ गई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिख के समझाई थी यहाँ पे अरे भैया के नहीं है ये तो तो बिल्कुल वही आ गई और यहां से बोलते हैं जैसा मैंने भी बोला था कि ए तो पॉजिटिव है ही एच चाहिए टू तो ए को से बड़ा होना चाहिए और जनरल बोल जब एच की वैल्यू टू ए से ज्यादा होगी तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये प्रूफ ठीक है हाँ हाँ, तो यहाँ पे इस प्रूफ में एक प्रॉब्लम ये है कि एम वन स्क्वायर की वैल्यू देखो तो एक तो एम वन तो रियल है रियल है मतलब M1 की वैल्यू चार है चार का स्क्वायर हो गया जी सोलह है ना एम टू लो कुछ है जैसे मान लो आपने जैसे बताइए आयोटा और माइनस आयोटा ऐसा ही बता दिया आपने तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस वन देखो अभी भी पॉजिटिव आ रहा है मतलब ये इमेजिनरी होते हुए भी इसको रियल रखा जा सकता है पॉजिटिव रखा जा सकता है ऐसा बोल रहे हो आप ठीक है और भी इसके ऊपर सोच के आना कि क्या ये वाकई में ये प्रूफ जो है ये जो बात जो है ये आ, ये जो 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 बकवास बात है और पॉइंट मेरा एच कोमा मा जीरो हो तो वहां से तो तीन नॉर्मल हंड्रेड परसेंट ड्रो की ही जा सकती है तो नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट हो गया हमारा क्या किसी और पॉइंट में भी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू टू ए से बड़ी होने पे हम तीन नॉर्मल ड्रो कर सकते हैं क्या ये भी आ, जो है समझ के आना कोशिश करना समझ के आने की ठीक है तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे ठीक है जी